अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं बर्फ़ का मौसम है इधर, यहाँ पे और बाकी भी जिस दुनिया में जिस जगह बर्फ़ पड़ती है तो पूरा सरफेस ढक जाता है बर्फ़ से। तो परिंदे जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना फूड वो हासिल करना, क्योंकि ज़मीन पे वो कीड़े मकोड़े उठा के खाते हैं या चावल वगैरह जो भी पड़ा होता है ज़मीन से अपना फूड हासिल करते हैं। हवा में तो ऐसा कोई सोर्स है नहीं, तो सब परिंदे इधर, अभी हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी देखी इसकी वजह से भाग गए इधर। बड़े परिंदे इकट्ठे हुए थे हमारे घर के सामने, शोर वगैरह, बेचारे भूखे प्यासे। तो प्यास का चलो सर्दी है, प्यास कम लगती होगी, बर्फ़ वगैरह भी है, बट भूख के लिए आप क्या करें। सफ़ेद अगर हम डालते हैं चावल वगैरह सफ़ेद स्नो पे, वो नज़र नहीं आता उनके लिए। उसके लिए आप घर से एक कोई इस तरह की कोई शीट लाएं, इस तरह की तिरपाल की शीट वो डालें जो कलर्ड हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि जिसमें से स्नो दिखेगी अगर वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा तो फिर वो परिंदों को नज़र नहीं आएगा दूर से। तो कलर्ड शीट, कोई कलर्ड तरपाल या कोई भी कलर्ड पॉलीथीन आप डालें, उसके ऊपर आप जो भी आपके घर में बचा हुए चावल वगैरह हों, हमने तो इस वक्त जो ये चावल डाले बट आप कुछ और भी डाल सकते हैं जो परिंदे खाएं, तो इसके लिए आप यकीनन आपको सवाब होगा और बेचारों की भूख वगैरह मिटेगी। इंसानियत के लिए ये सब करें, आपको थोड़ा बहुत इतना देने से कम तो होगा नहीं किसी के घर में भी। तो मेहरबानी करके ये ज़रूर फॉलो करें ये स्टेप ये भी, तो ताकि बेचारे परिंदे भूखे खा सकें और उसका सवाब आपको हो। और मेहरबानी करके जिसको भी ये वीडियो पसंद आए ये ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और ये आगे से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हो सकता आप ना कर सकें, आप वैसे एरिया में रहते हो जहां बर्फ ना पड़ती हो, बट आपकी शेयर करने से ये वीडियो वहां पहुंचे जहां बर्फ़ वगैरह हो, तो ये आप तक, आपके घर तक भी पहुँचे ऐसी ये मैसेज, उनके घर तक भी पहुँचे और वो ऐसा करें तो उसका सवाब यकीनन आपके क्रेडिट में भी जाएगा। ऐसा ज़रूर करें। बाकी अल्लाह आपका नेगेबान, आप दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह आपका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ अ लिटिल सक्सेस स्टोरी। ऐसा ज़रूर करें। बाकी अल्लाह आपका नेगेबान, आप दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।